नमस्कार। अजीत पवार के उम्मीदों पर फडणवीस ने फेर दिया पानी, क्या अधूरा रह जाएगा सीएम का ख्वाब। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल हमेशा बनी रहती है, ये दिन यहाँ पर सियासी तौर पर कुछ न कुछ होता ही रहता है। अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बगावत करने और एक नाश शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद राजनीतिक हलकों में विपक्षी की ओर से यह दावा किया जाता रहा है कि वह जल्दी मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि विपक्षी की ओर से किए जा रहे दावों को नकारते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले कहा था कि कई वरिष्ठ नेता इन दिनों कई तरह के अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री के पद पर कोई बदलाव नहीं होगा, सीएम बदलने की कोई वजह भी नहीं है, एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह सफाई इसलिए भी दी गई क्योंकि राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया कि 10 अगस्त के बाद अजीत पवार राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।